दोस्तों क्या आप लोगों ने सोचा है कि नारियल में पानी कहाँ से आता है? तो देखिए, दरअसल कोकोनट ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जाते हैं और साथ ही कोकोनट के पेड़ बहुत ही बड़े होते हैं और कोकोनट भी पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाके लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई पानी नहीं डालता है, तो इन कोकोनट को नरिशमेंट के लिए पानी नहीं मिलता है। इसलिए रूट सिस्टम से जमीन के नीचे का पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट इन कोकोनट के अंदर तक एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि उन्हें नरिशमेंट के लिए पानी मिले। इसलिए जो ग्रीन कोकोनट होते हैं उनमें पानी ज्यादा होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये पानी क्रेमी टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है जो कि कोकोनट के अंदर की लेयर से होता है। रो कोकोनट पानी हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये जो हम नारियल पानी पीते हैं वो दरअसल रूट से एब्जॉर्ब किया हुआ पानी होता है। इसलिए आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव ज्ञान थेरेपी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।